Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So this is a very important video. As you know, हम लोग हमारे चैनल के थ्रू एक मेंटोरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं डेटा साइंस के ऊपर. एंड द गुड पार्ट इज कि हमने ऑलरेडी पहला मंथ कवर कर लिया सक्सेसफुली. सो ये एक वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ. फर्स्ट आई डिस्कस कि हमने मंथ वन से सीखने के बाद क्या इंप्रूवमेंट्स लाने का प्लान किया है मंथ टू में. ठीक है, एक महीना हो चुका है, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग सम इंप्रूवमेंट्स. इस वीडियो में आई विल टेल यू कि क्या इंप्रूवमेंट्स हम लोग लाने वाले हैं. दैट्स फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई विल डिस्कस इज द प्लानिंग फॉर दिसंबर. क्या क्या होने वाला है दिसंबर में एकदम डे बाय डे. ठीक है, तो अगर आप इस प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तब तो आपको पूरा का पूरा ये वीडियो देखना ही चाहिए. और अगर आप एनरोल्ड नहीं हो बट इंटरेस्टेड हो तो भी आई वुड रिक्वेस्ट इस वीडियो को पूरा देखना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. सो सिंस नवंबर में हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, मुझे खुद बहुत चीजें नहीं पता थी, तो एक महीना काम करने के बाद सीखा है और ये इंप्रूवमेंट्स आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग इन दिसंबर. पहला इंप्रूवमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको काफी बता चुका हूँ दैट हमने फर्स्ट मंथ में जो पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम रन किया था वो यूट्यूब के थ्रू रन किया था. आपने पेमेंट भी यूट्यूब के ऊपर किया था, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड एंड वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन वेबसाइट. ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड हमारे सारे के सारे जो पेमेंट्स होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, वो सब के सब वेबसाइट पे होंगे. तो अगर आप लोगों ने पहले YouTube पे पेमेंट किया था और अब आपका YouTube का सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, 30 डेज होने वाले हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट दोबारा पेमेंट YouTube पे ना करके आप हमारी वेबसाइट पे करो. ठीक है, आपको सारा का सारा कोर्स यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, अगर आप पहली बार पेमेंट कर रहे हो तो भी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू द पेमेंट ऑन दिस वेबसाइट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पेमेंट किया तो आपको पिछले महीने का सारा कॉन्टेंट एक जगह पे मिल जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. और इसके अलावा भी हमारी जो वेबसाइट है इट इज वेल डिजाइंड, वेल ऑर्गेनाइज, तो ये आपको यूट्यूब से बेटर एक्सपीरियंस देगी. ठीक है, दिस इज इम्प्रूवमेंट नंबर वन. इम्प्रूवमेंट नंबर टू इज पेड क्लासेस ऑन जूम. तो वेबसाइट पे मूव करने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि अभी तक हमारे जितने भी सेशंस हो रहे थे, फ्री वाले या फिर पेड वाले, सब के सब यूट्यूब के थ्रू हो रहे थे. और आप लोगों ने सजेशन दिया कि ज्यादा अच्छा होता अगर सेशंस जूम के थ्रू होते ताकि आप मुझसे बात करके डाउट्स पूछ पाओ. तो दिस इज द सेकेंड इम्प्रूवमेंट. सिंस अब हम लोग वेबसाइट पे मूव कर चुके हैं, जितने भी पेड सेशंस होंगे, ठीक है ना, जो भी सेशंस आपके फ्राइडे और सैटरडे को होते हैं, ये दोनों सेशंस अब हमारे जूम ऐप के थ्रू होंगे. सो होगा क्या कि आपको एक मैसेज आ जाएगा, जो भी एनरोल्ड मेंबर्स हैं उनको एक मैसेज और ईमेल आ जाएगा विद द जूम लिंक, और आप उसके थ्रू क्लास में ज्वाइन कर पाओगे. आफ्टर द क्लास आपको रिकॉर्डिंग भी इसी जगह पे मिल जाएगा. जो लोग यूट्यूब पे मेंबर हैं और उनका भी 30 डेज खत्म नहीं हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि 30 डेज खत्म होने के बाद वेबसाइट पे आएंगे, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम लोग हर क्लास के पहले जूम क्लास का जो लिंक है वो यूट्यूब में मेंबरशिप टैब में डाल देंगे, तो आप वहां से भी जूम क्लास ज्वाइन कर सकते हो. और जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी हम जूम का जो रिकॉर्डिंग है उसको YouTube में भी डाल देंगे फॉर पेड मेंबर्स. तो बेसिकली आप अभी YouTube के थ्रू भी कर सकते हो पेड वाला चीज, हमारी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो. टिल दिसंबर, दिसंबर तक हम ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. आफ्टर दिसंबर पेड क्लासेस सिर्फ और सिर्फ Zoom पे होंगी. ठीक है, ये था दूसरा इंप्रूवमेंट. थर्ड इंप्रूवमेंट इज अ इंप्रूवमेंट जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की थी, तो इसको आप सरप्राइज इंप्रूवमेंट बोल सकते हो. सो अभी तक हमारा डाउट क्लियरेंस का फंडा क्या था कि मैं मेंबरशिप टैब में एक गूगल फॉर्म शेयर करता था, आप अपना डाउट वहां पे पूछते थे, हमारे बंदे आपको वापस पलट करके मेल में आंसर बताते थे. तो अब हमने इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने का सोचा है. अब जो भी डाउट्स क्लियर होंगे, जो भी डाउट क्लियरेंस होगा हमारे प्रोग्राम में, वो लाइव वन ऑन वन होगा. सो लेट्स से आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे टीम के बंदे के साथ वन ऑन वन जूम कॉल पे जा सकते हो और वहां पे अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है, लेट मी टेल यू ये कैसे होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेड मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड है. सो होगा क्या, पहले की तरह हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे हर वीक.
ठीक है, जैसा हम आपको YouTube पे देते थे। आपको बस क्या करना है, उस Google फॉर्म में बिल्कुल वैसे ही अपना डाउट एक्सप्लेन करके सबमिट कर देना है। हमारे टीममेट्स आपके ईमेल आईडी पे एक जूम लिंक भेजेंगे, और वो जूम लिंक को ज्वाइन करके आप एक डिसाइडेड टाइम पे जूम पे आओगे, और वहां पे हमारा बंदा आपका डाउट क्लियर कर देगा। सो रफली कुछ ऐसा होगा कि लेट्स से आपने आज, मान लो आज है थर्सडे, आपने आज अपना डाउट सबमिट किया, तो आपको फ्राइडे को हमारी साइट से एक मेल आएगा, और फ्राइडे शाम को आप जूम मीटिंग में आ सकते हो और आपका डाउट वन ऑन वन रिजॉल्व किया जाएगा। ऑल्सो ये अभी मैं सिर्फ दिसंबर के लिए कर रहा हूँ, आई एम नॉट गारंटिंग दिस कि ये जनवरी और फेब में भी होगा। हम लोग 1 महीना करके देखना चाहते हैं कि किस तरह का लोड पड़ता है, कितने लोग आते हैं, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि जनवरी में इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। 90% चांस है कि हम इसको थ्रू आउट द प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे, बट फिलहाल इसको आप समझ लो कि हम लोग बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग सारे के सारे डाउट्स वन ऑन वन जूम पे हैंडल करेंगे। आई रियली होप आपको ये इंप्रूवमेंट पसंद आया। अगर आपका कोई फीडबैक है इससे रिलेटेड तो जरूर कमेंट में लिखना, ठीक है। द फोर्थ इंप्रूवमेंट इज दैट हम लोग वीकली क्विजेस लेके आ रहे हैं। सो हर हफ्ते हम लोग 3 फ्री क्लासेस करते हैं, फिर एक फ्राइडे की स्पेशल क्लास करते हैं, और फिर सैटरडे को इंटरव्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो अब मेरा प्लान है कि ऑन सैटरडे वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ अ क्विज, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस उस वीक में आपने जो भी पढ़ा है उनके ऊपर बेस्ड होंगे। तो आपको वो क्विज देना है टू टेस्ट योर सेल्फ कि आपने कितना सीखा पूरे वीक, और फिर हम आपको आंसर्स भी बता देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत किया क्या सही किया, ठीक है। तो ये एक नया एडिशन है, सिंस हम लोग नई वेबसाइट पे आए हैं, यहाँ पे क्विज लेने का एक फीचर है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। अगेन मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ये वाला आपको इम्प्रूवमेंट कैसा लगा। एंड द लास्ट इम्प्रूवमेंट, फिफ्थ इम्प्रूवमेंट इज कि हमारा पाइथन वाला मॉड्यूल इस वीक खत्म हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड हम आपको कुछ एडिशनल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या क्या एडिशनल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, सो जितने भी 4 वीक्स हुए पाइथन में, उन 4ों वीक्स के लिए हम आपको 4 क्विजेस प्रोवाइड करेंगे। वीक 1 का एक क्विज, वीक 2 का एक क्विज, वीक 3 का एक क्विज, और वीक 4 का एक क्विज। आप वापस जाकर के उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड, हम लोग आपको कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे विथ सोल्यूशन। आप लोगों में से कई लोग ये पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ पे करें, थ्योरी समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस कहाँ पे करें। ऑल्दो हमने टास्क आपको दिए थे, बट इफ यू वॉन्ट हम आपको एडिशनल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देंगे। जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप करोगे उतने आप पाइथन में इंप्रूव करते जाओगे, ठीक है। थर्ड, हम लोग आपको और भी इंटरव्यू क्वेश्चंस देंगे। अभी तक क्या रहा था कि हम लोग हर सैटरडे को जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे थे। अब मेरा प्लान है कि वी विल प्रोवाइड यू सम एडिशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, बिकॉज सैटरडे को हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करते थे वो जनरली थोड़े डिफिकल्ट टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते थे, बट हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, कई बार इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कई बार मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम आपको एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे कि जो भी पाइथन आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम आपको एक वेल डॉक्यूमेंटेड पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, जितने भी डाउट्स अभी तक पूछे गए हैं आप लोगों के द्वारा, हम सबको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक एक्सेल फाइल में कि क्वेश्चन क्या था और हमने उसको रिजॉल्व कैसे किया, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ऑल्सो मैंने शायद बताया नहीं, बट ये जो सारे के सारे फीचर्स हैं जो अभी स्क्रीन पे सेलेक्टेड हैं, 2, 3, 4 और 5, ये सारे के सारे फीचर्स सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ भी फ्री मेंबर्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पेड क्लासेस ऑन जूम इज फॉर पेड मेंबर्स, डाउट क्लियरेंस इज फॉर पेड मेंबर्स, ये जो वीकली क्विजेस होंगे ये भी सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए हैं, और जो आपका एडिशनल पाइथन मॉड्यूल का कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो भी सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है, ठीक है। तो दीज आर द इम्प्रूवमेंट्स। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि कैसा साउंड कर रहा है ये सब कुछ, और बाकी तो मैं आपके थ्रू एक फीडबैक लूंगा 2-3 दिनों में, तो उसमें भी आप लिख के बताना आपको अभी तक कोर्स कैसा लग रहा है और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, वो हम लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। बट अभी मुझे ये कमियां दिखाई दी तो मैंने कोशिश की है इनको ऐड करने की, ठीक है। आई रियली होप ये ऐड करने से इस प्रोग्राम का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स डिस्कस द सेकेंड थिंग जो
आप लोग वेट कर रहे थे और आप लोग डिमांड भी कर रहे थे, और वो है कि दिसंबर में क्या सीन है, क्या चीजें होंगी दिसंबर में। तो ये रहा आपका फुल कैलेंडर व्यू दिसंबर में हम क्या करने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा और आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओगे। तो ये पूरी चीज को समझने के पहले आपको मैं कलर एनकोडिंग समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर दिन को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। नीचे फोकस करो, ग्रे कलर बता रहा है कि वो दिन ऑलरेडी जा चुका है। सो बेसिकली ये 4 दिन, ये नवंबर में ऑलरेडी क्रॉस हम कर चुके हैं, तो ये वो बता रहा है। व्हाइट वाले जितने भी सेल्स हैं वो फ्री यूट्यूब लेक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लाइट ब्लू सेल्स हैं ये फ्री रिकॉर्डेड सेशंस को डिनोट कर रहे हैं। ये जो ऑरेंज सेल है ये रिप्रेजेंट करता है पेड सेशंस ऑन जूम, ठीक है। जो ग्रीन है ये आपके खुशी का रीजन है, इस दिन छुट्टी होगी। जहां पे भी आपको टी मार्क दिखाई देगा वो समझ लो कि उस सेशन के साथ आपको एक टास्क भी मिलेगा, ठीक है। और लास्टली जहां पे भी आपको एक खतरनाक रेड दिखाई दे वहां पे आपका टेस्ट होने वाला है, असेसमेंट होने वाला है, ठीक है। और लास्टली मैं पहले से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हो सकता है ये शेड्यूल में थोड़े चेंजेस हो, बिकॉज चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। आई वुड ट्राई जैसा मैंने बोला है वैसा ही रहे, बट माइनर चेंजेस हो सकते हैं। जैसे लास्ट मंथ लाइट चली गई थी, अब ऐसी चीजों को हम हैंडल नहीं कर सकते, तो माइनर चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग वीक बाय वीक डिस्कस करते हैं कि दिसंबर में हमारे प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1 दिसंबर, आज का दिन। सो आज शाम को हम एक वीडियो रिलीज करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव सेशन नहीं है, ऑन हाउ टू बिल्ड अ रेज्यूमे एज अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का रेज्यूमे बनाने के सही टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे इन अ रिकॉर्डेड वीडियो, एंड दिस इज अ फ्री वीडियो करियर पे चर्चा के अंडर, विच मीन्स कोई भी इसको देख सकता है, पेड मेंबर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कल से एक्चुअल सेशन स्टार्ट होंगे। सो कल फ्राइडे है और कल आपका फ्राइडे स्पेशल सेशन है, और इस फ्राइडे स्पेशल सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बिल्ड जीयूआईज यूजिंग पाइथन, ठीक है। और ये सेशन जूम पे होगा, ठीक है, तो सिर्फ पेड मेंबर्स कर पाएंगे। फिर सैटरडे को आपका यूजुअल जो इंटरव्यू क्वेश्चन वाला सेशन होता है, दिस विल बी द लास्ट पाइथन इंटरव्यू सेशन, जहां पे हम जितने भी अब टॉपिक्स बचे हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भरे हैं बचे हैं वो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो वीक 1 ये रहेगा हमारे दिसंबर में। अब यहाँ पर मैंने एक नई चीज क्या सोची है इस मंथ, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो मुझे कुछ फीडबैक आया आपकी साइड से कि 1 वीक में 6 क्लास थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और ऐसा इसलिए लग रहा है लोगों को बिकॉज आप लोगों में से बहुत लोग जॉब करते हो और आप लोग जॉब के साथ साथ इस कोर्स को मैनेज कर रहे हो, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता है, मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो आई कैन फील कि 6 दिन क्लासेस लेना इज वेरी वेरी हैवी फॉर मी ऑल्सो। तो आई हैव प्लान्ड कि हम लोग हर वीक से जो थर्सडे वाला सेशन है करियर पे चर्चा, उसको हम लोग हटा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, और उसको हम लास्ट वीक पे मूव कर रहे हैं, जो लास्ट वीक है क्रिसमस न्यू ईयर वाला वीक, वहां पर ये सारे के सारे थर्सडे वाले सेशंस को मूव कर रहे हैं। तो टोटल मिला के 3 वीक्स हैं, 1, 2, 3। सो मैंने डिसाइड किया है कि आपका 25, 26 और 27, इन तीनों दिन हम लोग करियर पे चर्चा के 3 सेशंस करेंगे, ठीक है। इनमें से जो पहला सेशन है 25 तारीख को जो होगा, ये एक फ्री सेशन है और ये लाइव नहीं है, इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिल्ड अ किकैस लिंक्डइन प्रोफाइल, और उसको कैसे यूज कर सकते हो टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, ये मैं आपको सिखाऊंगा इन दैट वीडियो, ठीक है। फिर 26 और 27 2 दिन हम लोग 2 पेड लाइव सेशंस करेंगे ऑन जूम। सो 26 वाले सेशन में आई विल टीच यू हाउ टू वर्क विथ गिट एंड गिटहब, इसके ऊपर बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो 26 तारीख को हम इसको कवर करेंगे। और 27 को आई एम प्लानिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, जहां पे मैं कोई बहुत बढ़िया कंपनी के किसी सीनियर बंदे को लेके आऊंगा जो डेटा साइंटिस्ट है, और वो आकर के आपके साथ जूम पे बातचीत करेगा और आपको बताएगा कि क्या चलता है किसी एक बढ़िया कंपनी में, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया जाता है, सो दैट आपको पर्सपेक्टिव मिले कि जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो क्या काम करोगे, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली ये काम किया है कि तीनों जो थर्सडे वाले सेशंस थे उनको निकाल दिया और उनको मैंने लास्ट वीक पे डाल दिया, ठीक है। आई गेस ये बात आपको समझ में आ गई। इससे फायदा ये हुआ कि अब हर वीक
आपको एक सेशन कम करना पड़ेगा। सो जहां पहले 6 सेशंस कर रहे थे, अब आपको 5 सेशंस करने हैं, ठीक है। और इससे ये भी फायदा हुआ कि आपको अब 2 दिन का गैप मिलेगा, संडे और मंडे। और नए शेड्यूल के हिसाब से अब जो भी फ्री सेशंस होते थे पहले मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को, अब वो ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे को होंगे। फ्राइडे वाला सेशन जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, और सैटरडे वाला सेशन भी जैसे होता था वैसे ही होगा। संडे को छुट्टी रहेगी, मंडे को भी छुट्टी रहेगी, ठीक है। आई रियली होप ये आपको थोड़ा हेल्प कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीक 2। सो वीक 2 से हम लोग नंपाई स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो ट्यूसडे वाली क्लास है और जो वेंसडे वाली क्लास है, इन दोनों दिन हम लोग नंपाई पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्लास नंपाई बेसिक्स के ऊपर होगा, सेकंड क्लास एडवांस नंपाई के ऊपर होगा, ठीक है। फिर जो थर्सडे वाली क्लास है, अगेन फ्री सेशन है, ये पैंडास से स्टार्ट होगा। और पैंडास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज। इन तीनों के ऊपर टी लगा हुआ है, विच मीन्स इन तीनों सेशंस के बाद आपको टास्क दिया जाएगा, जैसा आपको हमेशा दिया जाता है। उसके बाद पहला जो फ्राइडे सेशन है, एक्चुअली टेक्निकली बोला जाए तो दूसरा जो फ्राइडे सेशन है इस मंथ का, उसमें हम आपको फ्लास्क पढ़ाएंगे। फ्लास्क को यूज करके आप पाइथन में वेबसाइट्स बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कई बार होगा जब आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे, आपको उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करना होगा, और उसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है फ्लास्क यूज करना। तो ये आपको आना चाहिए। और फिर 10 तारीख को, सैटरडे को, वी विल हैव अ इंटरव्यू सेशन ऑन नंपाई। नंपाई के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीक 3 फिर से ट्यूसडे को स्टार्ट होगा। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, तीनों दिन पैंडास के ऊपर हम लोग पढ़ाई करेंगे। पहले हम लोग डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्रुप बाय पढ़ेंगे, और फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे, मर्जिंग, ज्वाइनिंग एंड कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। और इन तीनों के साथ आपको फिर से टास्क मिलेगा। फिर 16 तारीख को, जो कि फ्राइडे है, आपका थर्ड फ्राइडे सेशन है ऑन स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट इज अ लाइब्रेरी जिसको यूज करके आप बहुत झट से वेबसाइट्स बना सकते हो, डेटा बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और ये भी ट्रस्ट मी आप गोइंग फॉरवर्ड बहुत यूज करोगे, ठीक है। फिर सैटरडे को अब हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन ना करके पैंडास की केस स्टडी करेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पैंडास के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जाते जितना आपको टेक होम चैलेंज दिया जाता है। तो हमारा गोल होगा कि सैटरडे को मैं आपको कुछ एक बढ़िया सा डेटा सेट दूंगा, और उसके ऊपर हम लोग एक प्रॉपर केस स्टडी करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 18 तारीख, विच इज संडे। और संडे को आपका फर्स्ट जो मॉड्यूल था पाइथन, उसका टेस्ट होगा। सो अभी तक हमने आपको जो भी कुछ पढ़ाया है पाइथन में 4th वीक तक, वो सब कुछ उस टेस्ट में आएगा। टेस्ट आपका एमसीक्यू प्लस कोडिंग टाइप का होगा, और आप संडे को टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद भी टेस्ट दे सकते हो, बट जो लीडर बोर्ड आएगा वो उन्हीं लोगों का आएगा जो लोग संडे को ही टेस्ट देंगे। आप देने को तो बाद में भी दे सकते हो, बट अगर आप लीडर बोर्ड में अपना नाम देखना चाहते हो तो फिर आपको संडे को ही रिजल्ट, मतलब संडे को ही आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने टाइम के हिसाब से आप कभी भी दो और कितने भी मार्क्स लाओ, कोई परेशानी नहीं है। बट अगर आप कंपीट करना चाहते हो भीड़ के साथ, और आप देखना चाहते हो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो फिर आई वुड रिकमेंड संडे को टाइम निकाल के ये टेस्ट देना। इस टेस्ट के बारे में मैं आपको और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, और फिलहाल बस मैंने बता दिया कि 18 तारीख को आपका असेसमेंट होगा मॉड्यूल 1 का। सारे पेड मेंबर्स ही ये टेस्ट दे सकते हैं, फ्री मेंबर्स ये टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। चलो वीक नंबर 4 में घुस रहे हैं। वीक नंबर 4 में फिर से ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, तीनों दिन फ्री सेशंस होंगे। मल्टी इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इनपुट आउटपुट इन पैंडास पढ़ाया जाएगा, वर्किंग विथ टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा विथ रेगुलर एक्सप्रेशंस, और फिर वर्किंग विथ डेट एंड टाइम पढ़ाया जाएगा, जहां पे हम आपको टाइम सीरीज वाले डेटा के ऊपर भी थोड़ा काम कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद 23, जो कि फ्राइडे है, और 24, जो कि सैटरडे है, इन दोनों दिन हम आपको दो अलग अलग पैंडास केस स्टडीज पढ़ाएंगे। सो बेसिकली टोटल मिला के पेड मेंबर्स 3 केस स्टडीज कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये 3 केस स्टडीज करने के बाद आपका जो पैंडास का नॉलेज है सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और फिर 28 तारीख के ऑनवर्ड्स आपको एक ब्रेक मिलेगा। 1 जनवरी तक 5 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, बिकॉज हम सभी डिजर्व करते हैं, आप भी डिजर्व करते हो, मैं भी डिजर्व करता हूँ। 5 दिन का हम ब्रेक लेंगे और फिर जनवरी में वापस आकर के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्लान। अब आपका डिसीजन है, अगर आप चाहो, इफ यू फील कि मुझे
पेड मेंबरशिप के थ्रू करना है तो आप पेड मेंबरशिप के थ्रू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे फ्री में ही करना है, तो आप फ्री में वाइट वाले जितने सेशंस हैं वो सब कुछ आप अटेंड कर सकते हो। दिस इज द प्लान फॉर दिसंबर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपका फीडबैक है, कमेंट में लिखो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, शेड्यूल मे चेंज। तो अगर आपकी साइड से मुझे कुछ बढ़िया सजेशन आएगा तो हम उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट ज्यादातर चांस है कि हम इसी चीज पे स्टिक करेंगे। दिस इज द शेड्यूल फॉर दिसंबर एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स जो आपको अगले महीने दिखाई देने वाला है। आई रियली होप आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक प्रोग्राम पसंद आया है, एंड आई रियली होप आपको नेक्स्ट मंथ का जो इंप्रूवमेंट्स का लिस्ट है वो पसंद आया, और नेक्स्ट मंथ हमने जो पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया है वो भी पसंद आया। नेक्स्ट मंथ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पैंडाज में इतने सही हो जाओगे, इतने तगड़े हो जाओगे कि आप किसी भी तरह के डेटा के ऊपर काम कर पाओगे। दैट इज माई गारंटी, ठीक है? तो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, ठीक है? चलो बाय।